हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल फ्लेयर प्लाजो एंड पेपलम टॉप, जिसे मैंने क्रिएट किया है रियॉन फैब्रिक से। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फैब्रिक चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कुर्ती और प्लाजो सेट से थोड़ा डिफरेंट लुक चाहते हैं तो इस फेस्टिव सीजन इसे आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप का पार्ट कट करने के लिए हमने फैब्रिक को फोर फोल्ड कर लिए हैं। टॉप की लंबाई लेंगे हम 16 इंच, शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। अब दोनों जॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से, एक बॉक्स बना लेंगे। चेस्ट लेंगे हम 9.5 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। वेस्ट लेंगे हम 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब हम दोनों जॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच, बैक नेक की लंबाई लेंगे हम 6.5 इंच, और एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। फ्रंट नेक की लंबाई लेंगे हम 6 इंच, अब हम फ्रंट और बैक नेक ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कट कर लेंगे इसे। पहले हम बैक का आर्म होल कट करेंगे, फिर फ्रंट का नेक कट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा कट हो गया है। अब हम बैक का पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट का आर्म होल कट कर लेंगे। और बैक के पार्ट में से बैक का नेक कट कर लेंगे, 1/2 इंच डीप और कट करना है इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट रेडी हो जाएगा। बॉटम का पार्ट कट करने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें एक रेक्टेंगल का शेप देते हुए कपड़े को ऐसा फोल्ड कर लेना है। अब हम वेस्ट लेंगे 9 इंच, 9 इंच में मार्क लगा लेंगे। और टॉप से भी हमें देखना है कि यहाँ भी सेम जगह, यहाँ जैसे 10 इंच है तो यहाँ भी 10 इंच होना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी इस तरह से। वेस्ट से लंबाई लेंगे 22 इंच, इस तरह से 22 इंच लेंगे और इस तरह से मार्क करते जाएंगे 22 इंच में। अब हम जो मार्क किए थे उसे हम कट कर लेंगे हमारा बॉटम का पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए हमने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स की लंबाई लेंगे हम 12 इंच, चौड़ाई लेंगे हम 7 इंच,
डेढ़ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब यहाँ से हम ढाई इंच लेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। नीचे हम लेंगे साढ़े पाँच इंच, डेढ़ इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। अब दोनों जॉइंट को मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ से एक इंच लेंगे, यहाँ भी हम मिला लेंगे दोनों जॉइंट को। अब हाफ इंच अंदर के साइड लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे कट कर देंगे इस तरह से। अब हाफ इंच ऊपर के दो कपड़े को हाफ इंच डीप कट करना है। हमारा स्लीव्स कट के रेडी हो चुका है। अब हम टॉप का नेक बनाएंगे। टॉप का नेक बनाने के लिए हम औरब पट्टी लेंगे। औरब पट्टी को इसमें इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा औरब पट्टी स्टिच कर लिए हैं हमने। आप ऐसे छोटे छोटे कट लगाते जाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो स्टिच किया है वो धागा नहीं कटना चाहिए, वो स्टिचिंग कटनी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं हमने कट लगा लिया है। अब इसे पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। आप देख सकते हैं हमारा नेक रेडी हो चुका है। इसी तरह हम फ्रंट और बैक दोनों का नेक रेडी कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए बैक और फ्रंट पार्ट को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है और फिर शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे हम इस तरह से। हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है। अब हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे। स्लीव्स ज्वाइंट करने के लिए हमने स्लीव्स को टॉप के ऊपर उल्टा रख लेना है और इस तरह से घुमाते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स स्टिच कर लेंगे। यदि आपको ये डिज़ाइन जो स्लीव्स में बना हुआ है यदि देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बता दूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है और साथ में साइड फिटिंग भी दे देंगे। आप देख सकते हैं हमने साइड फिटिंग दे दिया है और हमारा टॉप बन के रेडी हो गया। अब इसके बॉटम को वह ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करते हुए पूरा स्टिच कर लेना है और इसकी साइड को भी स्टिच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा बॉटम बन के रेडी हो गया है। हमने अंदर मतलब नीचे फोल्ड कर लिया है और साइड को भी स्टिच कर लिया है। अब इसे टॉप के साथ ज्वाइंट करेंगे और बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा टॉप।